हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आप ये देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत सा छोटी छोटी सी लीव्स हैं और इसके ये छोटे छोटे से इस पर फ्लावर्स भी आ रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, पर्पल कलर के। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये कोई कॉमन प्लांट नहीं है। बहुत ही कम घरों में इस मिलता है और शायद आपको भी इसके बारे में थोड़ा कम पता होगा, बट ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बुशी प्लांट है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और क्या प्लांट है ये और इतना खूबसूरत सा पौधा, इसको कैसे ग्रो करना है, कैसे इसकी केयर करनी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। और ये जो मैंने आपको प्लांट बताया, ये प्लांट, इसका नाम है मैक्सिकन हैदर प्लांट और इसको कूफिया भी कहते हैं। ये कोई कॉमन प्लांट नहीं है, कोई ज़्यादा घरों में नहीं मिलता है। ये हम इसे नर्सरी से लेकर आए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कूफिया का प्लांट है, मैक्सिकन हैदर भी इसको कहते हैं। बहुत खूबसूरत पौधा है ये और इस पर ये बहुत ही बुशी प्लांट है, बुशी की तरह बढ़ेगा, बुश की तरह। और इस पर ये फ्लावर्स आते हैं, इस पर ये पर्पल कलर के छोटे छोटे से प्लांट्स आते हैं और मोस्टली ना इसके टिप्स पर ही आते हैं ये। और ये जो है इसके ना काफ़ी मेडिसिनल फ़ायदे हैं, इसके उसमें होम्योपैथिक में ऑयल्स की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। काफ़ी मेडिसिनल प्लांट है ये, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि कॉमन प्लांट नहीं है, बहुत ही कम घरों में होगा। जिनको ज़्यादा गार्डनिंग का शौक होगा तो उनके पास ज़रूर होगा, लेकिन मोस्टली कॉमनली हम सबके पास नहीं होगा जिनको ज़्यादा गार्डनिंग का शौक नहीं है। हमें है शौक क्योंकि हमारा चैनल भी और हमें बहुत पसंद है गार्डनिंग। और ये प्लांट हम नर्सरी से लेकर आए थे। अगर आपने मेरी वो नर्सरी की वीडियो देखी होगी कि मैं कौन कौन से प्लांट लेकर आई हूँ, तो मैंने इसमें उस वीडियो में आपको इसके बारे में बताया भी हुआ है। तो आज हम ना इसको रिपोर्ट करने जा रहे हैं। इसको एटलीस्ट 15 दिन हो गए, 15 दिन से हमने इसको रिपोर्ट नहीं करा था। हम इसकी ग्रोथ चेक कर रहे थे कि इसकी ग्रोथ कैसी है, तुरंत लाकर नहीं करा नर्सरी से। तो आज हम इसको ना रिपोर्ट करेंगे। तो इसको कैसे रिपोर्ट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो प्लांट है ये सेमी शेड प्लांट है, इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये जो प्लांट है ना इसके लिए येल्लो होने लगती है। जैसे कि ना हमने इसको इधर साइड रखा हो तो थोड़ा सा इसको सनलाइट मिल गई थी डायरेक्ट, इसलिए इसकी ये देखिए इसमें दिख भी रहा होगा कि इसकी जो लीव्स है ना वो येलो हो गई थोड़ी सी, फिर ये फॉल आउट हो गई, इसकी लीव्स फिर झड़ने लगी। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ सेमी शेड मिले, डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। और प्रॉपरली इंडोर भी आप इसको नहीं रख सकते क्योंकि इसको थोड़ी सी धूप, इसको छन के चाहिए, ब्राइट लाइट इसको चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं चाहिए। क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट को, अगर आपका कोई भी प्लांट है, मोस्टली हम कहते हैं ना कि फ्लावरिंग प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन इसको नहीं चाहिए, इसको सिर्फ ब्राइट लाइट चाहिए। इसको हम पॉट में लगाएंगे। अगर आप चाहें ना, अगर इसको आप ज़मीन में लगा लेते हैं तो ये अच्छी ग्रोथ कर लेता है, इसकी हाइट भी अच्छी बढ़ जाती है। बट हम इसको ना 8 इंच के पॉट में लगाएंगे तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और बुशी एक बुश की तरह रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, इसकी ग्रोथ फिर ज़्यादा नहीं होगी अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं। तो मैं आपको वो भी लगा के दिखाऊंगी पॉट में कि इसको कैसे लगाना है। तो चलिए, ये तो रही इसकी केयर कैसे करनी है, कहाँ इसको रखना है, इसकी लोकेशन की बात। अब इसकी पॉटिंग मिक्स की बात कर लेते हैं कि किस मिट्टी में, कैसी मिट्टी में इसको लगाना है। इसकी मिट्टी पोरस होनी चाहिए और इसको सैंडी सॉइल ज़्यादा पसंद है। तो जब भी आप इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो सैंड की मात्रा ज़्यादा हो, गार्डन सॉइल कम हो और कंपोस्ट भी कम हो। सैंडी सॉइल इसको चाहिए तो सैंड की मात्रा आप ज़्यादा रखिएगा तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ऐसे तो अगर वैसे अगर आप नॉर्मल गार्डन सॉइल भी रख रहे हैं उसमें भी ये ग्रो कर जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सैंडी सॉइल देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसको सैंडी सॉइल ज़्यादा पसंद है। ये इसकी पॉटिंग मिक्स होगी और इसकी वाटरिंग का भी आपको ध्यान देना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जब मैंने जैसे हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ जो भी रिपोर्टिंग की होती है, हम जब इसको फर्स्ट टाइम पानी देते हैं वही इसको एक ज़्यादा अमाउंट में तभी पानी दिया जाता है। सेकेंड टाइम हम ना इसकी मिट्टी चेक करके इसको पानी देना है। अगर मिट्टी में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, अगर जैसे कि आप मिट्टी उठाएंगे साइड से और वो बाउंड हो जा रही है, बंद जा रही है, तो इसका मतलब भी मॉइस्चर है, पानी नहीं देना। अगर हम उसको मिट्टी में ऐसे बाउंड करेंगे इस तरीके से और अगर वो बाउंड नहीं हो रही है तो इसका मतलब मॉइस्चर ख़त्म हो गया है पानी प्लांट से और आपको इसको पानी देना है। तो पानी इसको कम देना है, पानी का आप इसको ज़्यादा ध्यान रखना है और लाइट का और पानी का ज़्यादा ध्यान रखना, बाकी बहुत अच्छे से ग्रो करता है।
इसमें दोस्तों और भी वैरायटी आती है, ये बुशी प्लांट है, वाइन भी आती है जो वाइन की शेप में आए, वाइन आप उसको बास्केट में लगा सकते हैं। और इसमें दूसरी वैरायटी भी आती है जो इसी प्लांट का, जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये मैं पर्पल कलर वाली वैरायटी लेकर आए थे नर्सरी से, इसकी वाइट वाली भी आती है, आप जैसे चाहो वैसे आप नर्सरी से इसको ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। चलिए अब मैंने इसकी पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार कर ली है, ये मैंने इसकी पॉटिंग मिक्स बिल्कुल अच्छे से तैयार कर ली है। सैंड मैंने ज़्यादा लिया है इसमें, इसमें गार्डन सॉइल और कंपोस्ट है, तो इसकी पॉटिंग मिक्स रेडी है। और अब मैं आप इसको ना पॉट करके आपको दिखाऊंगी, रिपोर्ट करके इतने बड़े पॉट में मैं इसको लगाऊंगी। अब मैं प्लास्टिक के पॉट में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको सेमी शेड में रखना है, आप जिस भी चाहे जैसे पॉट में आप लगा सकते हैं। तो जब भी इसका होल होता है उस पर एक छोटा सा टुकड़ा रख लिया पत्थर का, और या तो आप उसके पास कपड़ा भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी पॉटिंग मिक्स है ना वो पानी के साथ ना बहेगी नहीं, सिर्फ छन कर जाएगी, सिर्फ पानी निकलेगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्रेन आउट होगा, मिट्टी साथ में नहीं जाएगी, इसलिए हम इसको ऐसे लगा के रखते हैं। अब मैं इसको आधे गमले को भर लूंगी, उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी। तो मैं अब इसमें अपना पॉटिंग मिक्स डाल दूंगी, इसको डाल के आधा गमला आपको भर लेना है। आधा भरने के बाद फिर आप इसकी ये पॉलीथीन हटा के और थोड़ी बहुत मिट्टी साइड से निकाल के फिर इसको हम प्लेस कर देंगे। इतना मैंने इसको आधा भर लिया है। अब जो इसका ये जो हम लाए थे नर्सरी से, इसके बैग को रिमूव कर लेंगे, ध्यान से रिमूव करना है कि उसकी जड़े वड़े ना डिस्टर्ब हो, और बस साइड से थोड़ी सी मिट्टी इसकी हटा के एज इट इज़ इसके अंदर प्लेस कर देना है। इस पॉट में थोड़ी सी साइड से मिट्टी हटा के साइड से इतनी मिट्टी हटानी जितनी इसकी जड़ें एक्सपोज हो, ताकि इस मिट्टी में भी वो अपनी जगह बना ले। अब हम क्या करेंगे, अब इसको प्लेस कर देंगे, इसी में प्लेस कर दिया, इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। ये लगा दिया हमने अब इसका प्लांट, और इसको यहाँ तक फिर कवर करके मिट्टी में भर देंगे, मिट्टी से फुल कर देंगे। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है रिपोर्टिंग के टाइम पे, बाकी ऐसा कुछ ध्यान रखने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है। बस इसकी पॉटिंग मिक्स एक्यूरेट होनी चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया है पीछे वीडियो में, और इसके पानी का ध्यान रखना है आपको। और इसको लगाने के बाद आपको इसको सेमी शेड में रखना है जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिले, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल मत रखिएगा और ना ही बिल्कुल इनडोर रखिएगा। इतना हमने इसको मिक्स कर दिया जड़े। दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको पानी ना इतना लगाना है कि ना जो गमले से ना ड्रेन आउट हो जाए, आपका जो पॉट है वो वेल ड्रेन होना चाहिए। अगर पानी होल्ड रहेगा ना मिट्टी में तो फिर आपकी जड़े सड़ने गलने लगेगी और उसको रूट रॉट हो जाएगा, फिर प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना हमने पानी लगा दिया। अब देखिए नीचे से ना अब हल्का इस तरीके से ये मूवमेंट दिख रहा होगा पानी का, पानी ना ड्रेन आउट हो रहा है। इधर से मैं आपको इधर से भी दिखा देती हूँ, इधर से दिख रहा है तो इधर से ये ड्रेन आउट हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर में पानी जितना इसकी मिट्टी को सोखना होगा उतना पानी सोख लेगी और एक्स्ट्रा जो वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये हम फर्स्ट टाइम पानी इतना लगाते हैं, और जब आप सेकंड टाइम पानी लगाएं तो सेकंड टाइम पानी जब इसकी मिट्टी सूख जाए ऊपर की, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से चेक करके तब आप इसको सेकंड टाइम पानी लगाइएगा। तो ये तो रही वीडियो मैक्सिकन हैदर प्लांट की, इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, केयर कैसे करनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में नए प्लांट के साथ।